देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहे हैं कि साहब एक इलेक्ट्रिकल केटल है, यानी आपके पास केतली है, उसमें आप पानी को गर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिकल केटल है, केतली है, जिसके अंदर दो क्वाइल है, तो क्वाइल से तो गर्म होगा नहीं, उसका जो रेजिस्टेंस है वही ऑफर करेंगे गर्मी को। तो आप यही देखेंगे कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है। पहला बटन दावा, यानी पहला क्वाइल, पहले रेजिस्टेंस से 10 मिनट लगता है। तो एक डायग्राम बनाने करें, ये समझिए केटल है, आप वैज्ञानिक हैं, इसलिए आपको रेजिस्टेंस ले लिया, चाहे तो उसको हम R1 कह दें, है मैं राइट? और AC सोर्स से आप कर रहे हैं, AC सोर्स कहीं जाने वाला नहीं, आपने वोल्टेज ले लिया, है मैं राइट? और ऐसे में वो 10 मिनट में पानी गर्म कर देती है, बहुत अच्छा करती है। तो आपने कहा सर पावर निकाले, बिल्कुल निकालो, अभी अभी पिछले एग्जाम्पल में सिखाया V²R, दो क्वाइल है तो दो रेजिस्टेंस आपने मान ली, R1 एंड R2। आप जानते हैं पावर बराबर W/T, W की जगह आप हीट एनर्जी ले सकते हैं, वर्क मैकेनिकल एनर्जी की जगह, क्योंकि यहाँ मामला इलेक्ट्रिकल का है, तो पानी गर्म करना है तो हीट एनर्जी हो गई, और टाइम अलग अलग है इसलिए T1 ले लिया। हीट आपका बड़ा, यही दोनों केस में लगेगी। तो आपने कहा कि सर ये हो गया R1 × T1, ये आपका पहले केस में हो गया। दूसरे केस में आइए, दूसरा क्वाइल आपने जला दिया, यानी दूसरा रेजिस्टेंस आपने ऑफर करा दिया, बिजली का प्लग एक था, यानी कि वोल्टेज सोर्स तो आपके पास एक ही था। ऐसे समय जो पावर कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से हीट पैदा होगी, V²/R2, हीट तो आपको उतनी ही चाहिए पानी गर्म करने के लिए। हाँ, समय आपका अलग लग रहा है क्योंकि R2 अलग है। तो ऐसे सूरत हाल में भी आपने निकाल लिया V²/R2 × T2। ठीक, साफ साफ कर दे। अब आपने क्या कहा कि सर हमने दोनों को पैरेलल में लगा दिया, इफ बोथ क्वाइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब बताइए कितना समय लगेगा। हमने कहा लगा दो भाई, पैरेलल में ही लगा दो, पैरेलल में लगा दो, वोल्टेज सोर्स वही है, प्लग आपका वही है, आप बताइए, क्योंकि इसमें तो आपने T1 टाइम ले लिया था, देखिए इसमें T2 ले लिया था। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स तो वही है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लेंगे। और टाइम मान लिया आपने कहा कि जब दोनों कर देंगे तो पानी उतनी एनर्जी लेगा गर्म होने में, लेकिन समय बदल जाएगा, जिसको आपने T ले लिया। NTA का पावर तो हमें उतनी ही चाहिए पानी गर्म करने पे, वोल्टेज हमने वही लिया है, सोर्स प्लग हमारा वही है, रेजिस्टेंस बदल गया, R हो गया। बेटा पैरेलल में हमने क्या सिखाया, अगर दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, तो अगर सबसे पहले इसका हीट अपॉन टाइम निकाल लीजिए, मैं राइट, V² और R की वैल्यू पैरेलल में है, तो ऊपर क्या बताया, ऊपर गुणा नीचे जोड़, राइट? यानी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, R1 R2 कर दिया, अपान ऐड कर दिया, R1 + R2, बस आपका इफेक्टिव आ गया। और बताया था जब सब इक्वल है पैरेलल में है, तो जितने हैं उतने डिवाइड कर दीजिए, इफेक्टिव आ जाएगा। अब देखिए एच आपको चाहिए था, एच बराबर, इसको ऊपर ले जाओ भाई, फोर्थ है R1 + R2, और नीचे बचा R1 R2, और टाइम हो गया आपका T। ये गया पन्ना भर, अब सारा खेल गुरु यहीं से है, क्या करें कि हमारा टी निकल आए, बस वही खेल है, समझ लीजिए। आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए कि अगर ये जो V² है, एम ए राइट, अगर आप देखें तो V²/R1 अगर हमारे पास हो जाता है, ठीक, तो मेरा काम बन जाता, क्योंकि एच कॉमन है, तो हम यहां पे R1 R2 की हमको अननोन है, इनको हमें जो है गायब करना है। अगर ये आप गायब कर ले गए R1 R2 को, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एम आई राइट?
बस काम बन गया। आर वन की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से देखो आर वन की जगह लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन एच इंटू टी वन। आगे चलते हैं, बहुत स्थिति खराब है। तो आपने कहा सर एच इजिकल टू वी स्क्वायर, आर वन और आर टू हमारे अननोन है। यहां से देखिए इक्वेशन वन से आर वन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर अपॉन एच इंटू टी वन। तो आपने कहा वी स्क्वायर अपॉन आर वन इंटू टी वन, एम आई राइट। आर टू को देखिए बेटा, आर टू इधर ले जाओ तो ये एच हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एच इंटू टी टू। ओहो, अब हम आर वन तो गायब कर रहे थे, वी स्क्वायर अपॉन एच इंटू टी टू। अब नीचे से आर वन आर टू गायब कर लीजिए, आर वन इंटू आर टू है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आर वन की जगह वी स्क्वायर अपॉन एच आर टी वन, वी स्क्वायर अपॉन एच टी वन इंटू वी स्क्वायर अपॉन एच टी टू। बस काम बन गया आपका, वी स्क्वायर पहले से था, वी स्क्वायर अपॉन एच कॉमन ले लीजिए, टी वन प्लस टी टू हो गया बेटा। अब आप नीचे आ जाइए, यहां पे आपके पास वी स्क्वायर अपॉन एच है इंटू वी स्क्वायर अपॉन एच है टी वन इंटू टी टू। सबसे पहले इससे इसको उड़ा लीजिए और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ा लीजिए, बस आपका काम बन गया। टी आपके पास पहले से था, ये देखिए ये वाला टी, तो यही निकालना था आपको, तो आपने कहा यही निकालना है। ये टी हमारे पास पहले से था, ये टी हमारे पास पहले से था। अब इस एच को ऊपर ले जाइए तो टी वन प्लस टी टू अपॉन टी वन इंटू टी टू, फोर्थ है टर्म है ऊपर चला गया और टी जो निकालना था पहले से था ये कट गया, तो आपको क्या बचा टी, जो कि आप आराम से कह सकते हैं टी वन अपॉन टी टू बटे टी वन प्लस टी टू। रख दीजिए वैल्यू, टी वन आपका था 10 मिनट, टी टू आपका था 40 मिनट, दोबारा जब करते थे तो 40 मिनट लगता था। बस काम बन गया आपका, तो ऊपर आपका हो गया 10 × 40 / 10 + 40, ये हो गया 10 × 40 / 50। इसको इसको काट लीजिए, 5 × 2 = 10 और 4 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 मिनट। तो दोस्तों काम बहुत आसान था, 8 मिनट है भी, यस थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एक बार आपने यहां से एच निकाल लिया, एक बार आर टू से एच निकाल लिया, एक बार कंबाइन करके एच निकाल लिया। आर वन एंड आर टू आपको मालूम नहीं थी, उसको आपने यहां से इक्वेशन वन से इक्वेशन टू से एलिमिनेट कर लिया, और टी आपको निकालना था, आपने निकाल लिया, टी के टर्म में फॉर्मूला डेवलप कर लिया और टी वन टी टू मालूम था, वैल्यू रख दी, काम बन गया।